नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रैंकिंग्स के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया, जिसमें इंडिया को 40वें नंबर पर रखा गया है। तो उसके बारे में हम विस्तृत से आगे देखेंगे। अगली हमारी रैंकिंग्स रहेगी ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग्स 2017। तो इसके बारे में देखेंगे, जो कि प्लेट्स की टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी हैं उसके बारे में। तो हम देखते हैं पहले कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें इंडिया का स्कोर कार्ड देखते हैं, तो इंडिया को है ना 40वें नंबर पर रखा गया है, और इसमें 137 कंट्रियों का सर्वे कराया गया था, जिसमें इंडिया का नंबर 40वां है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड का है। इंडिया रैंक अमंग साउथ एशियन कंट्री, अगर हम साउथ एशियन कंट्री के डेटा के बारे में देखें तो इंडिया को पहले नंबर पर रखा गया है साउथ एशियन कंट्री के बारे में। अब हम मैंने इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो मार्केट साइड में देखा जाए तो रैंक थर्ड। टेक रीडनेस के बारे में तो इंडिया को मिला 107वां नंबर मिला है। मार्केट के बारे में, मार्केट के साइड में इंडिया को तीसरा नंबर दिया गया है। टेक रीडनेस के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया का नंबर 107वां। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को 66वां नंबर दिया गया है, और लेबर मार्केट एफिशिएंसी में देखा जाए तो इंडिया का 75वीं रैंक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया को कौन सा 40वें नंबर पर रखा गया है। अगर हम ब्रिक्स कंट्री के डेटास के बारे में देखें तो चाइना 27वें नंबर पे है, रसिया 38वें नंबर पे, दोनों ही इंडिया से आगे हैं। जबकि अगर इंडिया से पीछे देखें ब्रिक्स कंट्री में, तो साउथ अफ्रीका को 61वां नंबर है, और ब्राज़ील को 80वें नंबर पर रखा गया है। तो इंडिया वाज प्लेस्ड एट 40 स्पॉट अमंग 37 कंट्रीज इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2017-18, ये 2017-18 की रैंकिंग्स है उसके बारे में। तो पहले क्या है, 2016 में इंडिया को 39वें नंबर पर रखा गया था, अब इंडिया एक स्थान पीछे खिसक गया है, मतलब स्लिप हो गया है, और वो उसका नाम इस बार 17-18 में 40वें नंबर पर है। अगर हम परफॉर्मेंस देखा जाए वेरियस कंट्री के बारे में, तो इसको टॉप किया गया स्विट्जरलैंड, तो 137 कंट्री में स्विट्जरलैंड को पहले नंबर पर रखा गया है। द यूएस एंड सिंगापुर, यूएस और सिंगापुर को सेकंड और थर्ड नंबर पर रखा गया है। यूएस को सेकंड नंबर पर और सिंगापुर थर्ड नंबर पर इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में। और ब्रिक्स कंट्रियों में देखा जाए तो चाइना 27 पर, रसिया 38 पर, जो कि इंडिया से दोनों ही अब ऊपर हैं। और साउथ एशियन कंट्री के डेटा के बारे में देखें तो इंडिया पहले नंबर पर है साउथ एशियन कंट्री के डेटा में, जबकि जैसे श्रीलंका 85वें नंबर पर, नेपाल 28वें नंबर पर है, सॉरी नेपाल 88वें नंबर पर, और जबकि इंडिया से लगी हुई कंट्री, इंडिया का मेंबर कंट्री पाकिस्तान को 115वें नंबर पर रखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में। तो हम मैंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। पहला तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 12 पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है, या 12 पिलर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस कंट्री के इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा जाता है, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन में उस कंट्री कैसी है, मतलब किस हालत में उसकी हेल्थ, उस कंट्री की प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति कैसी है, लेबर मार्केट कैसा है उस कंट्री का, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट उस कंट्री में कैसा है, टेक्नोलॉजी का वीकनेस है कि नहीं, और मार्केट साइड उस कंट्री का कैसा है। जैसे कि हमारे इंडिया को मार्केट साइड में तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो ये सारे पैरामीटर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो उसमें देखता है, इन्हीं आधारों पर कंट्री को रैंक दी जाती है, जिसमें स्विट्जरलैंड को पहले नंबर पर रखा गया है, इंडिया को 40वें नंबर पर, इंडिया का नंबर 40वां है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग्स 2017 के बारे में हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग्स ऑफ द ईयर, तो इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसको वो बन गई है वर्ल्ड की तीसरी बिगेस्ट एनर्जी कंपनी, उसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। क्योंकि 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी में इंडिया की कौन सी कंपनी आई है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। और पहले नंबर पर जैसे कि देखें तो हम पहले नंबर पर है रसिया गैस फर्म गैस प्रोम, जो कि पहले नंबर पर है इस प्लेट्स की टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी की रैंकिंग में। सेकंड नंबर पर जर्मन यूटिलिटी इओन एयर, जो कि जर्मन कंपनी है, जो दोनों पहली रशियन कंपनी आई है, सेकंड पर जर्मन कंपनी है, जबकि इंडिया की थर्ड नंबर, इंडिया की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि थर्ड नंबर पर है इस रैंकिंग्स में।